एक्सप्लोर साइंटिफिक का 4 इंच 102 mm रिफ्रैक्टर जो लॉन्ग फोकल लेंथ पे है 1002 mm में और इक्वेटोरियल माउंट में है। असेंबली होगा, इसका यूज होगा और इससे क्या देखा जा सकता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये पहले आपने ट्राइपॉड पूरा एक्सटेंड करना है। शहर में है उसका आपने लैटिट्यूड और आपको सेट करना है। काउंटर वेट होल्ड करने वाला रॉड, फिर ये वेट अंदाजे से आप अभी कहीं भी लगा दीजिए, बाद में बैलेंस करेंगे। इसका लॉक, तो लॉक करना जरूरी है, नहीं तो ट्यूब स्लाइड कर सकते। मोशन नॉब्स, दो स्क्रूज हैं, रेड डॉट फाइंडर स्लाइड कर जाता है, आप उसे लॉक कर लीजिए। इसमें आपको 3 लेंसेज हैं, 25 mm प्लॉसर, 10 mm एक प्लॉसल और उसके बाद 3x बार लो। जब भी ऑब्जेक्ट आपने ढूंढना है तो आपको 25 mm जिसमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू लो पावर है वहाँ से ढूंढना है आपने। आपको यह देखना है कि ये दोनों एक्सेस पे बैलेंस है कि नहीं। राइट असेंशन जिस पे ट्रैकिंग करनी होती है, तो ये बैलेंस दिखा रहा है, स्लो मोशन से आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपको डेक्लिनेशन एक्सेस पे देखना है तो उसमें राइट असेंशन लॉक करके और डेक्लिनेशन लूज करके आपको देखना है कि वो बैलेंस है कि नहीं। ट्यूब एक तरफ बेंड तो नहीं हो रही, ट्यूब आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो इस केस में ट्यूब आगे की तरफ ज़्यादा झूल रही तो थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो रिंग्स हैं दोनों वो लूजन अप करके और ट्यूब को थोड़ा सा पीछे स्लाइड करना पड़ेगा रिंग्स के अंदर। बैलेंस्ड है। इसके साथ कंपनी एक रिंग दे रही है आपको जो कैमरा अडैप्टर डायगनल रिमूव कर सकते, नॉब है उसको भी रिमूव करके वहीं पर टीरिंग लगा सकते हैं। ये अडैप्टर निकॉन या कैनन का आप टीरिंग लगा सकते हैं और उसके बाद फिर SLR कैमरा की बॉडी आप लगा सकते हैं। मोबाइल का लेंस उस पर सटा के और फिर आप वो वैक्यूम है उसके साथ वो उसको पकड़ लेता और एक स्ट्रैप कंपनी ने दिया ताकि मोबाइल गिरे ना। प्लेनस्फेयर आता है, मैनुअल आता है और 3x बारलो है और दूसरा प्लॉसल IPS है 10 mm। स्पॉट फाइंडर और जो इसका सेंटर है दोनों का सेम हो, अगर वो सेम नहीं है तो बेस आपने IPS को लेना है और रेड डॉट फाइंडर की अलाइन करनी है। उसका अलाइनमेंट स्क्रूज नीचे हैं और बैक साइड पे। जब लॉक कर दिया किसी भी टारगेट पे और आपको उसको ट्रैक करना है तो आपने ट्यूब फिर नहीं हिलानी, क्योंकि ट्यूब आप हिलाएंगे तो जो लॉक है वो डैमेज हो जाएंगे उसके गियर। तो आपको ये स्लो मोशन से काम लेना है। अगर आपने डेक्लिनेशन ट्रैक करना है तो ये वाली है लंबी वाली जो है, और अगर आपने राइट असेंशन पर ट्रैक करना है तो इस तरीके से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। 3x बारलो इसमें साथ में दिया है, आपको 300x पावर इसमें मिल जाती है। अच्छा लंबा रिफ्रैक्टर है और क्रोमेटिक एवेरेशन लंबी लेंथ के फोकल लेंथ की ट्यूब्स में कम होती है। जो इसकी प्राइस है वो हमारी वेबसाइट पे या नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दूंगा।